साथियों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो आज टॉपिक लेके आए वो सबसे खतरनाक टॉपिक लेके आए, यानी सबसे बेहतरीन टॉपिक लेके आए आपके लिए, वो है समास का। समास का जितनी भी क्लास हमारी पहले चली है वो हम ट्रिक के साथ कर रहे हैं, और इसे भी हम ट्रिक के साथ करेंगे, और बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ करेंगे जो कि आपके समझ में एकदम बढ़िया तरह से बैठ जाए। तो जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को पूरा देखिएगा, एक ही बार में आप समास सीख जाओगे। यानी ऐसी ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए कि एक ही बार में आप सीख जाओगे और एग्जाम में अपने आप बता दोगे कि इसमें यह समास छिपा हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कहती है, देखिए समास क्या है, आज का चैप्टर हमारा समास का। समास को समझते हैं पहले हम, इसके क्या है डेफिनेशन, इसे समझते हैं समास की डेफिनेशन क्या है। देखिए, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। किसको? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के संबंध को बताने वाले को समास कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट वाली बात है कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहा जाएगा, और शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे समास कहा जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है समास के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि समास के भेद कितने होते हैं, तो आप बताइएगा कि समास के छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? छह भेद होते हैं। समास के छह भेद कौन से होते हैं, देखिए। द्वंद्व समास कौन सा है आपका? पहला द्वंद्व समास हो गया। नंबर दूसरा है आपका द्विगी समास, द्विगी समास हो गया आपका। नंबर तीसरा है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चौथा हो गया आपका कर्मधारय समास। कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। पांचवा हो गया आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। नोट कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए, और आप कहीं भी जाके वो नोटबुक आप अपनी निकाल के देख सको। ठीक है, और ये हो गया आपका छठा, आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमारे जो समास हैं उनके छह भेद बताए गए हैं, और छहों भेद आपके सामने मैंने ये लिख दिए हैं। अब इन्हें ट्रिक के साथ कैसे हम करते हैं वही देखते हैं। चलिए देखिए साथियों, ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। तो पहला आता है आपका देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, उसकी पहचान क्या होती है? देखिए क्या कह रहा है ये, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आपकी द्वंद्व समास की पहचान है सबसे बड़ी, कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए अधिकतम योजक चिन्ह आता है। देखिए योजक है ये, अधिकतम योजक चिन्ह आता है। अधिकतम 99% योजक चिन्ह आता है। कितना आता है? 99%। 99% द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 1% नहीं होता। बाकी बच्चे गलती कर देते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। देखिए जैसे कि राम योजक चिन्ह कृष्ण, यानी राम और कृष्ण। ठीक है, और बहुत से क्या कर देते हैं कि जैसे कि आ गया रात, रात योजक रात, तो क्या कर देते हैं द्वंद्व समास में परिवर्तन कर देते हैं इसे, कि योजक चिन्ह आ गया, बस इसे देखते हैं कि ये द्वंद्व समास है नहीं। ये भी देखा जाता है कि विपरीत शब्द होना चाहिए, विपरीत शब्द होना चाहिए, यानी रात आ रहा है तो यहां दिन आना चाहिए। योजक चिन्ह तो आ ही आए, रात की जगह यहां दिन आना चाहिए, तो होगा ये द्वंद्व समास में। विपरीत भी देखना चाहिए, जैसे कि यहां आया राम और कृष्ण, विपरीत हो गया ना, राम और कृष्ण, तो राम और कृष्ण क्या हो गया, ये विपरीत हो गया ये। जैसे कि भाई और बहन, यानी भाई भाई आ जाता तो नहीं होता, वो योजक चिन्ह लगा के भाई भाई दे देते तो वो द्वंद्व समास नहीं कहा जाता। विपरीत भी देखना पड़ता है, विपरीत भी होना चाहिए और योजक चिन्ह भी होना चाहिए, तो ही वो द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी भाई और बहन, देखिए योजक चिन्ह लगा भाई और बहन, ये ठीक है, ये आपके समझ में बैठ गया होगा अच्छी तरह से। अब आते हैं आपके द्विगी समास पे। द्विगी समास क्या कहता है? संख्या की प्रधानता होती है। द्विगी समास में क्या होता है? संख्या की प्रधानता होती है, यानी जैसे कि बताता है संख्या की प्रधानता, नौ रत्न, नौ रत्न, ठीक है, नौ रत्न, और इसमें आ गया आपका त्रिलोक, ठीक है, त्रिलोक है ना, त्रिलोक, ठीक है, इसमें क्या आ गया, त्रिलोक, बारह सिंगा, बारह सिंगा, तो
क्या होना चाहिए, यानी संख्या की प्रधानता होनी चाहिए, पहले संख्या की प्रधानता आनी चाहिए। जैसे कि नौ देवी, नौ देवी क्या आना चाहिए, संख्या आ रही है ना, पहले पहले संख्या आ जाए, यानी नौ दो तीन चार पांच छः, तो आप समझिए कि ये द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब आ जाता है आपका कर्मधैर्य समास। कर्मधैर्य समास क्या कहता है, तीसरा नंबर का क्या आ जाता है आपका कर्मधैर्य समास। कर्मधैर्य समास क्या कहता है, देखिए विशेषता बताता है, क्या बताता है ये, विशेषता बताता है कर्मधैर्य समास। विशेषता कैसे बताता है, देखिए जैसे कि आपने लिख लिया काली मिर्च, यानी ये क्या है, काली मिर्च, तो विशेषता कैसे बताएगा, काली है जो मिर्च, काली मिर्च अभी तो जब वो काली है, नहीं तो काली कैसे होगी। लाल मिर्च को लाल क्यों कहते हो, लाल है जो मिर्च, ठीक है, हरी है जो मिर्च, हरी मिर्च यानी हरी है जो मिर्च, तो काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी विशेषता ही तो बता रहा है ये, उसकी विशेषता बता रहा है। काली क्या है, मिर्च है, क्या है, काली मिर्च है, यानी काली है जो मिर्च, विशेषता बता रहा है एक। और देखिए नील कमल, तो नीला है जो कमल, यानी नील कमल कैसे, नीला है जो कमल, नीला यानी नीला है वो, उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है नील कमल। तो विशेषता बता के हमने इसे तोड़ के क्या कर दिया कि नीला है जो कमल। ये हो गया आपका कर्मधार्य समास में। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा इसे रफ करते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे आगे। चलिए साथी अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथा समास आपका क्या कहता है, चौथा समास है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास कैसे पहचाना जाएगा, अव्ययी भाव समास कैसे पहचाना जाएगा, देखिए प्रत्येक उपसर्ग वाला समास, यानी प्रत्येक उपसर्ग वाला समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देखिए जैसे कि यथा स्थान, यानी स्थान के अनुसार, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, ठीक है, यथा स्थान बात यही तो हो गई, स्थान के अनुसार, यथा स्थान, यथा स्थिति यानी स्थिति के अनुसार। आजीवन यानी आजीवन क्या हो गया, आजीवन कारावास हो गया ना, सुना होगा आपने आजीवन कारावास हो गया, तो आजीवन मतलब जीवन भर, क्या हो गया आपका जीवन भर, तो ये हो गए आपके अव्ययी भाव समास। क्या हो गए आपके अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये हो गए आपके अव्ययी भाव समास। यानी जैसे कि एक और आ जाए आपका, देखिए दिन ब्राह्म, दिन योजक चिन्ह दिन, रात योजक चिन्ह रात, यानी सेम सेम आ जाए, क्या आ जाए, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए। और अगर यहाँ पे रात और दिन हो गया तो क्या हो गया, द्विगु समास हो जाएगा वो, लेकिन यहाँ पे दिन योजक चिन्ह दिन, रात योजक चिन्ह रात, भाई योजक चिन्ह भाई, तो क्या हो गया ये अव्ययी भाव समास हो गया, क्या हो गया अव्ययी भाव समास हो गया। इसलिए मैंने ये आपको लिखा है यहाँ पे, कहीं आप द्विगु समास कर दो इसे, बहुत से कर दे करके आ जाते होंगे कि योजक चिन्ह आ गया तो द्विगु समास है, ये नहीं, उसमें विपरीत देखना पड़ता है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, सेम आ जाए दिन दिन और रात रात, भाई भाई, बहन बहन, तो क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। यानी स्थान, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया रखा है, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, यानी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, स्थान के अनुसार यानी बिल्कुल ऐसा ही। अब आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहता है आपका, पांचवा, ये कैसे समझा जाएगा, देखिए बहुव्रीहि समास कहता है नीलकंठ, यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, किनका, शिव जी, किनका नीला कंठ है, विष पिया था उन्होंने तो यहां विष इकट्ठा हो गया, तो कंठ ये है, कंठ क्या हो गया, ये नीला पड़ गया उनका कंठ, ठीक है। लंबो लंबोदर, लंबा उधर, लंबा है उधर जिनका, क्या हो गए, गणेश जी हो गए, क्या हो गए, ये गणेश जी हो गए, ठीक है। इस तरह से ये हो गए आपके बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास ये हो गए आपके, ठीक है। अच्छी तरह समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह समझ में आपको आ रहा होगा। अब आ जाते हैं छठा, तत्पुरुष समास, जो कि लास्ट का है इसका आपका तत्पुरुष समास, और इसमें भी छः प्रकार बताया गया है। ये तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास में छह तरीके से किस तरह बताया गया है, एक कर्म तत्पुरुष, एक करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिग्रहण तत्पुरुष। ये कैसे पहचाना जाएगा, देखिए ये कैसे पहचाना जाएगा, यहाँ पे अभी जगह कम है थोड़ा, यहाँ पे अभी आएगा नहीं, तो मैं ये थोड़ा रफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि तत्पुरुष समास में ये आपके छः जो बताए गए हैं, छः तरीके, ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्म कौन सा है, करण कौन सा है, संप्रदान कौन सा है और अपादान कौन सा है, संबंध और ये अधिग्रहण कैसे है, ये पहचानते हैं। चलिए देखें, इसे रफ करते हैं थोड़ा। अब आ जाते हैं तत्पुरुष पे, जो कि लास्ट था हमारा छठवा तत्पुरुष, उसमें छह दे रखे थे तत्पुरुष के छह उदाहरण। देखिए छह कौन से हैं, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है, एग्जाम में अगर आ जाए तो सबसे पहले होगा इसमें देखना आप, को का प्रयोग होता है इसमें, कर्म तत्पुरुष में को का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण सहित समझते हैं, उदाहरण देखिए, को का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण जैसे
मतदाता यानी मत को देने वाला, कौन सा? मत को देने वाला। ये देखिए को का प्रयोग हो रहा है, मतदाता यानी मत को देने वाला। तत् कर्म तत्पुरुष है ये, कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है ये। अब आ जाता है आपका दूसरा, दूसरा है आपका करण, करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? से का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है इसमें। देखिए जैसे कि जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, यानी जन्म से उत्पन्न, देखिए से का प्रयोग हो रहा है इसमें। किसका प्रयोग हो रहा है? से का प्रयोग हो रहा है इसमें, जन्म से उत्पन्न, ठीक है। अब है आपका मुंह मांगा, यानी मुंह से मांगा, जैसे दहेज मांगते हैं, ठीक है, मुंह मांगा, जैसे दहेज मांगते हैं, दहेज के लोग भी ज्यादा हैं, मुंह से मांगते हैं जब मिलता है, अगर ऐसा सोचते हैं कि उन्हें मांगे ना तो मिले ना शायद कुछ, है ना, तो मुंह से मांगा। और एक और भी कहावत सुनी होगी कि मांगे मिले ना मोती और बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, मांगे भीख नहीं मिलती और बिन मांगे मोती मिल जाता है, ऐसे है। देखिए मुंह मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, से का प्रयोग हो रहा है इसमें, किसमें? से का इसमें प्रयोग हो रहा है। तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। अब आ जाता है आपका तीसरा, तीसरा कौन सा है आपका? देखिए तीसरा कहता है संप्रदान, संप्रदान में जो प्रयोग होगा आपका वो होगा आपका के का। किसका प्रयोग होगा? के का प्रयोग होगा आपका संप्रदान में। संप्रदान देखिए कैसे हो जाता है, देखिए जैसे हथकड़ी, देखिए जैसे क्या है हथकड़ी, यानी हाथ के लिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, किसके लिए हथकड़ी, किसके लिए होती है? हाथ के लिए तो होती है हथकड़ी, हाथ में पहनाते हैं हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी। तो किसका प्रयोग हो रहा है? के का प्रयोग हो रहा है। तो समझ जाइए संप्रदान तत्पुरुष है। नोट कीजिएगा, ऐसे नोटबुक लेके बैठिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। संप्रदान यानी के का प्रयोग हो रहा है, हाथ के लिए हथकड़ी। सत्यग्रह यानी सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। देखिए और है चौथा आपका आ जाता है अपादान, अपादान तत्पुरुष। इसमें होता है से का प्रयोग, से का प्रयोग होता है इसमें। देखिए से यानी अलग होने की, देखिए इसमें भी से का प्रयोग हो रहा है तो इसमें जुड़ रहा है, वो इसमें जुड़ रहा है, यानी जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। इसमें से का जो प्रयोग हो रहा है वो अलग होने के लिए हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि से में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इससे में और उससे में, उसमें जुड़ रहा है, इसमें अलग हो रहा है। तो अलग होने की बात क्या है? देखिए अपादान तत्पुरुष। जैसे कि धनहीन यानी धन से हीन, धन उस पर है ही नहीं है, तो क्या हुआ? धन से हीन। तो क्या हुआ? ये अलग होने की बात हो रही है, इस पर अलग हो रही है ना, धन से हीन यानी धन उस पर है नहीं है, तो अलग होने की बात हो रही है। अब आ जाता है आपका भयभीत यानी भय से भीत, ठीक है, भयभीत हो जाता है। जैसे कहीं अगर कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग कह दे कि रात में शमशान में मत जाना, तो वो क्या पैदा कर दिया? डर पैदा कर दिया, होता कुछ नहीं है शमशान में, जब जिंदे कुछ नहीं कर सकते तो वो मर के क्या कर लेंगे, ठीक है, कोई भी हुआ, है ना, तो मरा हुआ आदमी क्या कर लेगा बताओ आप, क्या कर लेगा, है ना। तो भय से भीत यानी भय घुस दिया उसके अंदर, भय डाल दिया, तो भय से भीत हो गया, भय से ग्रस्त हो गया वो, क्या हो गया? भय से ग्रस्त हो गया वो। अब आ जाता है आपका संबंध तत्पुरुष, यानी इसमें संबंध तत्पुरुष में इसमें होगा काकी का प्रयोग। किसमें होगा? काकी का प्रयोग होगा उसमें। देखिए जैसे कि प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, इसका प्रयोग हुआ है प्रेम का सागर, प्रेम का सागर यानी प्रेम सागर, संबंध तत्पुरुष, संबंध बताना है इसमें, संबंध यानी प्रेम का सागर, प्रेम से भरा हुआ सागर, है ना। अब आ जाता है आपका देखिए दूसरा एग्जांपल, दिनचर्या यानी दिन की चर्या। अब किसमें प्रयोग हो गया? दिनचर्या यानी पूछते हैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में, पूछते हैं कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है, कैसे पढ़ते हो, कैसे तैयारी करते हो, पूरी दिनचर्या बताओ मुझे क्या है, ताकि मैं भी उसी तरह से करूं। तो ये वही वाली दिनचर्या यानी दिन की चर्या क्या है आपकी, दिन की चर्या क्या है आपकी, ठीक है। अब आ जाता है आपका छठा आ जाता है अधिकरण। अधिकरण में होगा मैं और पर का प्रयोग। किसका होगा? मैं और पर का प्रयोग होगा इसमें। यह कैसे होगा? देखिए जैसे घुड़सवार, तो घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, ऐसा ही तो होगा, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, जब तो बोलेंगे घुड़सवार, ठीक है, है ना, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। अब आ जाता है अगला आपका नीति निपुण, यानी नीति में निपुण, पूरा तरह पूरी तरह नीति में निपुण हो, उसे पता हो पूरी जानकारी की, नीति में पूरी तरह निपुण हो यानी चालाक हो, बहुत 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 चालाक हो, क्या हो, क्या कहते हैं इसे, नीति निपुण है, पूरा नीति में निपुण है भाई ये पूरा लड़का, है ना। तो नीति निपुण, ये मैं का प्रयोग हो गया इसमें, कहाँ हो गया, ये मैं का हो गया और इसमें ये पर का हो गया। तो क्या आप ये समझ गए? सारी आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी आशा करता हूँ आपको, और सब आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह ट्रिक की क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे आई गई हो पूरी वीडियो पूरा देख के जाहिर हो तो लाइक करके जरूर जाएं, प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएं। धन्यवाद, आगे मिलते हैं आगे की वीडियो में।